तो चलिए नवरात्र का स्पेशल नमकीन हम बनाएंगे, तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो एक कढ़ाई में पहले आप बिना घी तेल के सूखी हुई मूंगफली को बिना घी तेल में ऐसे रोस्ट कर लीजिए। पहले हम मूंगफली को इसमें घी तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, ऐसे ही इसको सिर्फ रोस्ट करना है। फिर इसके बाद हम इसमें बिना घी तेल के ही मखाने को भी रोस्ट करेंगे। अब ये देखिए मेरी मूंगफली रोस्ट हो गई है। अब सेम उसी कढ़ाई में बिना घी तेल के आप मखाने को डाल के रोस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे। पहले इसको रोस्ट करके मखाने को बाहर निकाल लेंगे, फिर इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो पहले इनको रोस्ट करते हैं। चलिए देखिए ये मेरा मखाना भुन गया है और ये मूंगफली को भून के इसके ऊपर का ये छिलका निकाल दिए हैं। अब एक कढ़ाई में देसी घी डालेंगे, ये है टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें देसी घी डाल दीजिए। इसको देसी घी में ही बनाइए क्योंकि व्रत में खाएंगे ना, तो रिफाइंड वगैरह उतने अच्छे नहीं होते हैं, तो इसलिए कोशिश करिए कि देसी घी में ही इसको बनाइए। अभी घी गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा काजू रोस्ट करेंगे। नमकीन में डालने के लिए, ये व्रत के लिए नमकीन बना रहे हैं हम। बना के डिब्बे में भर के रख लीजिए, जब चाय पीना हो तो थोड़ा सा इसको निकाल के ले सकती हैं। एक बार बना लीजिए, पूरे नवरात्र आराम से इसको आप खा सकती हैं। अब ये काजू मेरी फ्राई हो गई है, गैस को धीमा कर दीजिए और इसमें पहले हम काली मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाल दीजिए, क्योंकि व्रत में आप अमचूर खा सकती हैं, क्योंकि आम आदमी खाता है तो आप उसका सूखा पाउडर भी खा सकता है। और फिर इसमें मखाना डाल दीजिए और ये जो मूंगफली भून कर रखी है उसको मिक्स कर दीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसमें व्रत में खाने वाला सेंधा नमक, उसको मिक्स करके अच्छे से इसको चला। ये घी इसमें जो है अभी मखाना इस सारे घी को ऑब्जर्व कर लेगा तो आपकी नमकीन एकदम ड्राई हो जाएगी और सारे चीज़ों में अच्छे से काली मिर्च और नमक सारी चीज़ें अच्छे से इसमें कोटेड हो जाएंगी। अब ये व्रत में खाने की आपकी नमकीन रेडी हो गई है। अब इसको आप ठंडी हो जाए तो किसी टाइट डब्बे में भर के रख दीजिए और अपना सुबह शाम जब मर्जी हो इसको निकाल के खा लीजिए। तो देखिए मेरी व्रत की नमकीन बनके रेडी हो गई है। अगर आपको पसंद आई है तो आप भी बनाइए इसको और इसी तरह का कुछ नया व्रत में खाने वाला अगला वीडियो लेके फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।